59 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए ऋतुराज सिंह। अनुपमा एक्टर के बेस्ट फ्रेंड थे बॉलीवुड के किंग। बेहद गहरा था ऋतुराज और शाहरुख का याराना, तो हर मुसीबत में साथ देने का किया था वादा। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर ऋतुराज सिंह का 59 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। मंगलवार की सुबह इंडस्ट्री के लिए एक काला अंधेरा लेकर आई, जहां अभी तक लोगों के जहन से दंगल गर्ल सुहानी भटनागर के निधन का दुख नहीं निकला था, तो अब ऋतुराज के यूं अचानक चले जाने से हर ओर मातम पसरा हुआ है। एक्टर के निधन से उनके परिवार से लेकर फैंस तक गम में डूबे हुए हैं। वहीं ऋतुराज के निधन के बीच शाहरुख खान का नाम भी खबरों से जुड़ गया है। भाई, आखिर ऋतुराज बॉलीवुड के बादशाह उर्फ शाहरुख खान के बेस्ट फ्रेंड जो हुआ करते थे। जी हाँ, इन दोनों की दोस्ती सालों पुरानी थी। दोनों एक दूसरे को तब से जानते थे जब दोनों दिल्ली में बैरी जॉन के थिएटर ग्रुप टैग यानी कि थिएटर एक्शन ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे। दोनों स्ट्रगल के दिनों के साथी थे और साथ में खूब थिएटर भी किया करते थे। ऋतुराज और शाहरुख की उम्र में सिर्फ एक साल का फासला था। दिल्ली में रहने के दौरान ऋतुराज सिंह और शाहरुख खान की दोस्ती काफी गहरी हो गई। शाहरुख की मां के निधन के वक्त ऋतुराज भी एक्टर के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। वहीं थिएटर के दौरान ऋतुराज जानते थे कि वो गौरी खान को डेट कर रहे हैं और इसलिए वो शाहरुख खान को चिढ़ाते भी थे। वहीं शाहरुख संग अपनी दोस्ती का जिक्र एक बार खुद ऋतुराज ने किया था। एक इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने बताया था कि मैं और शाहरुख एक चड्डी बड़ी यार थे। हम दोनों एक दूसरे के कपड़े भी पहन लेते थे। जब भी वक्त मिलता तो हम एक साथ वक्त गुजारते। स्टार बनने के बाद भी शाहरुख खान मुझे कई बार अपनी वैनिटी वैन में बुलाया करते थे और हम साथ में सिगरेट पीते थे। ऋतुराज हमेशा ये भी कहते थे कि जब भी मैं कभी मुसीबत में हो जाऊंगा तो शाहरुख ही सबसे पहले मेरे पास आएंगे। वहीं जहां अभी तक शाहरुख की ओर से किसी भी तरह की सोशल मीडिया पोस्ट ऋतुराज के लिए नहीं की गई है, तो ऋतुराज सिंह जब जिंदा थे तो हर साल शाहरुख को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देना नहीं भूलते थे। एक्टर ने शाहरुख खान के बीते बर्थडे यानी कि 2 नवंबर को उन्हें विश भी किया था और उनके साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। बहरहाल ऋतुराज अब हमारे बीच मौजूद नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ऋतुराज को बीती शाम मुंबई के लोखंडवाला स्थित अपने घर पर ही दिल का दौरा पड़ा था। एक्टर के बारे में बताया गया कि वो पैनक्रियाज की समस्या से जूझ रहे थे, जिसके इलाज के लिए कुछ समय पहले ही वो हॉस्पिटल में भर्ती भी हुए थे। हालांकि एक्टर डिस्चार्ज होकर घर वापस लौट आए थे। इसके बाद 19 फरवरी की रात ऋतुराज सिंह को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया। और एक्टर के अचानक निधन से अब टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फैंस को उनकी मौत का काफी गहरा सदमा लगा है।